हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुमार मित्तल के एक्सरसाइज को, फिर जिसमें निमांचल हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 है। तो देखिए, ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट इसका बना चुके हैं, उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11 से। जितना क्वेश्चन हो जाए उतना क्वेश्चन सब आज इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न परिपथ में अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्टमीटर वी का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुली होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट तथा कुंजी बंद होने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर तथा वोल्टमीटर का गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है, तो ज्ञात कीजिए सेल का वैद्युत वाहक बल E, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, कैपिटल R का मान और फोर्थ सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा 6। मतलब प्रतिशत ऊर्जा 6 कितना है वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहे कि जब सर्किट हमारा ओपन है, ये सर्किट दे रखा है इस तरीके से, एक सेल है, इसके साथ यहाँ पे एक कुंजी है और एक प्रतिरोध को जोड़ा गया है, इसके साथ यहाँ पे एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है और इसके साथ यहाँ पे एक अमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा कुंजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखा है कि जो वोल्टमीटर है उस वोल्टमीटर का रीडिंग है जब सर्किट हमारा ऑफ है, मतलब सेल खुले परिपथ में, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उस कंडीशन में सेल का जो ईएमएफ है वो इस वोल्टमीटर से हम रीड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास देखा है सेल का ईएमएफ ई बराबर 1.53 वोल्ट, ठीक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रतिरोध दे रखा है, निकालना है कैपिटल आर का मान, दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, धारा दे रखा है, धारा आई बराबर दे रखा है 1 एम्पियर। एंड जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, इस कुंजी को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होता है वो होता है 1.03 वोल्ट। तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो, ठीक है क्या। चलिए, फर्स्ट निकालते हैं हम सेल का ईएमएफ, बता चुके हैं हम सेल का ईएमएफ कितना आ जाएगा, ई बराबर 1.53 वोल्ट, वो फर्स्ट पार्ट हो गया। आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला करेंगे ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, देन आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाय आई, देन ई 1.53 माइनस 1.03, माइनस कर देंगे तो 0.50 ओम, कितना जाएगा ओम, ठीक है। सुनो, सेकंड निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल गया, कैपिटल आर का मान, ये जो प्रतिरोध है यहां पे इस कैपिटल आर का मान कितना है, उसके लिए ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, देन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी इज इक्वल टू है 1.03 बाय 1, नेट इज इक्वल टू 1.03 ओम। अब नेक्स्ट थर्ड, यहां पे हमसे पूछ रहे हैं कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, मतलब सेल ने जितना एनर्जी दिया है उस एनर्जी में से इस प्रतिरोध में कितना लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो इस प्रतिरोध ने कितना लॉस किया है वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितना हीट जनरेट किया है। तो आर में प्रतिशत ऊर्जा 6, तो देखिए इसने कितना हीट जनरेट किया है वो जाएगा आई स्क्वायर आर, और सेल ने कितना एनर्जी सप्लाई किया है वो जाएगा ई इंटू आई इन पर सेकेंड, कितना पर यूनिट टाइम में, इंटू 100 या टी टाइम में लेंगे तो इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है यहां पे। तो इसलिए आई स्क्वायर आर बाय ई इंटू आई इंटू 100%। कैलकुलेट कर लेते हैं, आई वन वन स्क्वायर इंटू 1.03 डिवाइडेड बाई ई 1.53
थ्री इंटू आई, आई जो है सर्किट में वन है, वन का स्क्वायर इंटू हंड्रेड, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 103 डिवाइडेड बाय 1.53, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 67.3, कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है, 67.3% एनर्जी जो है ये प्रतिरोध यहां पे उसको लॉस कर रहा है, क्लियर है। एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रखना कि प्रतिरोध R में क्षय ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप वीडियोस को एक तो पूरा देखिए, दूसरा वीडियोस को हमेशा ऑनलाइन देखिए, कभी भी इसको डाउनलोड करके मत देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैथ एंड फिजिक्स की अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे मैंने क्लास 10th 11th 12th के अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में दिखाइए कि परिपथ में लगी बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। मीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंजी के खुली हो और बंद हो। तो देखिए सबसे पहले एक सर्किट दे रखे हैं यहां पे, हम यहां पे एक बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और यहां पे एक अमीटर लगा है, प्लस माइनस अमीटर, एंड ये सर्किट हमारा क्लोज्ड है। तो फर्स्ट यहां पे कुंजी लगा हुआ है की, इसका मान दे रखा है 40 ओम और इसका मान दे रखा है 40। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, क्या निकालना है। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंजी के खुली हो और बंद हो, मतलब ए का हमें, ये जो मीटर लगा है इस मीटर का रीडिंग बताना है, रीडिंग का मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले जब कुंजी खुली है, जब कुंजी खुली है, देखिए जब कुंजी खुली होगी तो इस वाले सर्किट में, इस वाले प्रतिरोध में करंट जीरो होगा, तो ये वाला प्रतिरोध का यहां पे कोई काम नहीं होगा। कौन से प्रतिरोध का काम है, इस वाले प्रतिरोध का, ठीक है। जब इस वाले प्रतिरोध को यहां पे सर्किट में डालेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये, और इसका विभव हो जाएगा V, देन धारा I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, और V है 12 बटे 40, 10 से काट दो, सॉरी 4 से काट दो, 10 डिवाइड करेंगे तो 0.3 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद हो, ठीक है, जब कुंजी बंद हो तो उस कंडीशन में यहां पे सर्किट को ऑन कर देते हैं, तो अब दोनों के लिए प्रतिरोध क्रिएट होगा, करंट दोनों में से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो दोनों सर्किट जो है पैरेलल में है, और पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब भी दो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यह 40 into 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40, तो 1600 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइड कर देना 20। तो धारा I2 बराबर हो जाएगा V upon R equivalent and V is equal to 12 by 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पीयर। मतलब सेकंड केस में जो करंट है वो दुगुना हो जाएगा, दुगुना इसलिए होगा क्योंकि प्रतिरोध जो है वो आधा हो जाएगा पहले के तुलना में, ठीक है, क्लियर। सुनो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज बच्चों वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है।
ताकि उनको भी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। बहुत बढ़िया। जब प्रतिरोध घटकर 25 ओम कर दिया जाता है, जब प्रतिरोध को हम घटा देते हैं और 25 ओम कर देते हैं तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पीयर हो जाती है। बैटरी का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला कंडीशन है कि एक रेजिस्टेंस दे रखा है R1 और ये दे रखा है 45 ओम का और इस सिचुएशन में करंट फ्लो होता है 0.3 एम्पीयर। ठीक है, 0.3 एम्पीयर की यहां पे धारा I1 बराबर जगह E अपॉन कैपिटल R1 प्लस स्मॉल R। करंट की फॉर्मूला करते हैं, कुल ईएमएफ बटे कुल प्रतिरोध। तो ब्लड से सेल का ईएमएफ E है और सेल का या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल स्मॉल R है। तो यहां से यह जगह आपका I 0.3 is equal to E divided by capital R 45 plus small r। यहां से E का वैल्यू निकालेंगे, E बराबर जो इससे मल्टीप्लाई जाएगा 5 × 15 4 × 12 = 13, तो 13.5 plus 0.3 r, इसको मान लेते समीकरण नंबर ए। बहुत बढ़िया सुंदर। अब तथा देखिए सेकंड केस में देखा, अगर प्रतिरोध को घटा के R2 जो है वो 25 ओम कर देते हैं, कितने कर देते हैं 25 ओम घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो करंट जो है वो 0.5 एम्पीयर हो जाता है। कितना? 0.5 एम्पीयर हो जाता है। बहुत बढ़िया सुंदर। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में तो हमें सेल का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना है, तो ई एन आर के लिए हम अगेन इक्वेशन यूज करेंगे, I2 is equal to E upon capital R2 plus small r। तो 0.5 बराबर E divided by ये जो हमारा R2, R2 का वैल्यू है 25 plus r, तो इसको इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो E बराबर हमें मिलेगा 25 × 125, तो 12.5 plus 0.5 r। ये जो समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और दो को बराबर कर देना, ये भी का वैल्यू है, ये भी का वैल्यू है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण एक व दो से समीकरण एक और दो का यूज करेंगे, 13.5 प्लस 0.3 r बराबर 12.5 प्लस 0.5 r। इसको डायरेक्ट इसको इधर फेंक दो तो 13.5 माइनस 12.5 बराबर 0.5 r माइनस 0.3 r। ठीक है, 12 में से 13 घटा देंगे तो 1, 5 में से 3 घटा देंगे तो 0.2 r, देन r इज इक्वल टू 1/0.1, 0 लगा देंगे तो 5, तो r इज इक्वल टू जो 5 ओम। r का वैल्यू उठा कर रखो किसी भी इक्वेशन में, देन e बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 में ही रख दो, 13.5 प्लस 0.3 इनटू 5, तो 13.5 गुणा 5 × 15 1.5, 14 × 14 = 15, तो सेल का जो ईएमएफ हो जाएगा वो आपका 15 वोल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में रखा है कि जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है तो यह उसमें 4 एम्पीयर की धारा बेचती है। जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पीयर रह जाती है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पे देखा कि एक अज्ञात बैटरी है जिसका वोल्टेज V है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, मतलब नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का ये बैटरी है, एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है तथा इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजी जाती है। जब R के साथ श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो धारा जो गिरकर है वो 3 एम्पीयर का हो जाता है। तो सबसे पहले धारा दे रखा है, धारा I बराबर दे रखा है 4 एम्पीयर, देन I बराबर जो V / R, देन V इज इक्वल टू I R, तो यहां से आ जाओ 4 R। तो फर्स्ट सिचुएशन में V इज इक्वल टू जो 4 R फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि हम R के साथ एक श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, कितना श्रेणी क्रम में
दस ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो हो जाएगा आपका 10 प्लस आर या आर प्लस 10 हो जाएगा। तो धारा I बराबर हो जाएगा, इसको I1 से दिखा देते हैं, इसको I2 से, I बराबर है V by R plus 10, then V by I2 ब्रैकेट में R plus 10, R2 कितना है 3 एम्पीयर हो जाता है, according to question 3, R plus 10, देखिए V बराबर यहाँ से रख देते हैं वैल्यू 4R, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करें 3R plus 30, 3 को दे लेंगे, 4 से 3 घटेगा R, तो R बराबर 30, R बराबर कितना जाएगा 30, R का मान इसमें रख देना, तो V बराबर 4 गुणा 30 बराबर 120 वोल्ट। तो यहाँ पर टोटल जो विभवांतर होगा वो 120 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो एक सुंदर सा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा इसमें ओम्स लॉ यूज करने थे बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों 3 ओम 1 ओम और 8 ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यम 6 वोल्ट आता है, परिपथ धारा तथा R का मान ज्ञात कीजिए। जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के हां सही है, देखिए सबसे पहले क्या करें कि यहां पे तीन प्रतिरोध को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुछ समझते हैं, और इसके साथ एक बैटरी यहां पे जुड़ी है, बैटरी जो है इस परिपथ में एक धारा को प्रवाहित कर रही है, ये 1 एम्पीयर, ये 3 एम्पीयर और ये 8 एम्पीयर, सही है ना, क्या बोलते हो बीच में 1 ओम 3 ओम एंड 8 ओम, ठीक है। अच्छा बैटरी जो है यहां पे वो 12 वोल्ट की बैटरी है, जब इसके बीच में एक वोल्टमीटर को जोड़ा गया तो इसका रीडिंग आया 6 वोल्ट, कितना आया 6 वोल्ट, ठीक है। तो परिपथ में धारा निकालना है और R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। परिपथ में धारा तो सेम सिंपल फॉर्मूला सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में तीनों जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में धारा कितना है I है, बहुत बढ़िया, श्रेणी क्रम में धारा I है तो धारा सब में सेम रहेगा, मतलब इसमें जितना धारा है उतना ही धारा इसमें होगा, उतने धारा बने ओम के प्रतिरोध में भी होगा। अच्छा इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है देखते हैं, 6 वोल्ट, देन इसको हम लेते हैं R1 और इसको लेते हैं R2, चिन्ह R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 बराबर है 6 वोल्ट, R2 इज इक्वल टू है 3 ओम, देन करंट इज इक्वल टू हो जाएगा इस वाले पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, करंट कितना, करंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V2 / R2 देन 6 / 3 तो यह 2 एम्पीयर। तो इसका मतलब पूरे परिपथ में धारा जो है वो कितना होगा 2 एम्पीयर होगा, बहुत बढ़िया सुंदर सा। अच्छा अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा सेकंड केस में, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 1 + 3 + R तो 4 + R, तो R इक्विवेलेंट हो गया हमारा 4 + R, तो धारा I बराबर होता V / R इक्विवेलेंट देन I 2 V 12 बटे 4 + R क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 8 + 2R इज इक्वल टू 12, 8 को दबे जाना 12 में से 8 कटेगा 4, तो 2R बराबर 4 देन R बराबर 2 ओम, ठीक है। तो कैपिटल R का वैल्यू जो है 2 और परिपथ में धारा जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा हमारा 2। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम तथा R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं, परिपथ में धारा क्या होगी जब R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं एंड R1 एंड R2 समांतर क्रम में जोड़े गए। देखिए समांतर क्रम श्रेणी क्रम आपके सिलेबस में से हट चुका है तो क्वेश्चन नंबर 16 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। देखिए आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है जिससे ईएमएफ है 6 वोल्ट, क्योंकि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करेंगे कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ईएमएफ बराबर है 6 वोल्ट, अगर आपको नहीं सीखना है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। 6 वोल्ट, 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, R = 1 ओम स्मॉल r, अच्छा
और दे रखा है बाह्य प्रतिरोध R1 और R2। परिपथ में धारा क्या होगी, धारा निकालना सिंपल सी बात है। R1 दे रखा है 2 ओम एंड R2 का जो वैल्यू है वो दे रखा है 3 ओम। R2 दे रखा है 3 ओम। फर्स्ट जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R2, क्योंकि बैटरी का भी प्रतिरोध ये भी श्रेणी क्रम में होगा, तो तीनों प्रतिरोधों को क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, धारा हो जाएगा धारा I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, ओम्स का ही यूज कर रहे हैं हम तक। ठीक है, तो V 6 बटे R इक्विवेलेंट 6 बराबर 1 एम्पियर। सेकेंड कंडीशन में श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोनों को, इसमें समांतर क्रम में, तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे, उसके साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इनटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस 1 नहीं सॉरी R। तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा और ये इसके साथ सॉरी ये समांतर क्रम में हो जाएगा, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, बैटरी इस तरीके से जुड़ा होगा, यहां पे इसका प्रतिरोध ये और यहां पे दोनों प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ा है, तो ये समांतर क्रम और इसके साथ ये श्रेणी क्रम। ठीक, तो R 2 into 3 divided by 2 plus 3 plus 1 divided by 6 by 5 plus 1 LCM लेना 5 × 5 = 6 × 11 × 5। तो यहाँ पे धारा हो जाएगा धारा I बराबर V by R then V, V is what? 6 by R, R is what? 11 by 5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 30, 30 by 11 एम्पीयर। सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 30 by 11, डिवाइड कर देना पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है एक संचायक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम को 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है, यदि आवेशन धारा बल 0.5 एम्पीयर हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सेल है जिसको इतने वोल्ट पे 12.5 वोल्ट पे उसको आवेशित किया जा रहा है, संचायक सेल का जो है हमारा प्रतिरोध दे रखा 1 ओम एंड इसमें एम्पियर मतलब धारा दे रखा है आई बराबर 0.5 एम्पियर। देखो सेल को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे आवेशित किया जा रहा है, जब सेल को आवेशित करेंगे तो इसका ईएमएफ हो जाएगा ई बराबर वी प्लस आई आर, सॉरी ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, वी माइनस आई आर। ठीक है ना, क्योंकि करंट यहाँ पे अपोजिट जब आवेशित किया जाता है तो करंट जो है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वी इज इक्वल टू यूज करेंगे वी माइनस आई आर। यहाँ पे इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आवेशित किया जा रहा है ये निकालना है, देन ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर वी 12.5 माइनस आई 0.5 माइनस इंटू 1 इंटू 1, तो इसमें इसको माइनस करेंगे दैट इज 12 वोल्ट। तो जो हमारा सेल है सेल का ईएमएफ जो हो जाएगा वो हमारा 12 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, सुनो एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संलग्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारा I का मान तथा शक्ति क्षय भी ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सर्किट दे रखा है, मेडिसिन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बिंदु ए, ये जगह बिंदु बी, ठीक है, ये 5 10 10
पांच ओम, दस ओम, बीस ओम, दस ओम और ये जो हमारा 10 ओम और इसके बीच में एक बैटरी जुड़ी है जो है 5 वोल्ट की बैटरी है। 5 वोल्ट की बैटरी, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके बाद धारा का मान निकालना है, फिर शक्ति क्षय ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखिए इस सर्किट को अगर रिड्यूस करेंगे, सी और ये डी पॉइंट है, तो सबसे पहले सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए सर्किट को अगर रिड्यूस करेंगे तो ए बिंदु यहां पे, ए सी यहां पे बिंदु डी और यहां बिंदु बी ले लेते हैं, ये ए बी डी। सबसे पहले देखिए ए और डी के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है, कहां पे ए और डी, ये ए बिंदु से ये गया डी बिंदु पे, कितने ओम का 10 ओम का। अच्छा ए से सी के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है 5 ओम का, कितना 5 ओम का। अच्छा सी से डी के बीच में देख रहा है एक प्रतिरोध जुड़ा है, ये 10 ओम का है, ठीक। डी से बी के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है 20 ओम का, डी से बी के बीच में 20 ओम का। अच्छा एक प्रतिरोध जुड़ा है सी से डी के बी के बीच में, देखिए सी से ये बी इसके साथ जुड़ा है ना, तो ये कितने ओम का है 10 ओम का, तो ये हमारा 10 ओम का। तो देखिए ये जो सर्किट बना हमारा, ये क्या बना, एक व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसमें बैलेंस कंडीशन देखेंगे तो P ये Q ये R और ये S। देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू 5 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय T, R अपॉन S इज इक्वल टू 10 बाय 20 इज इक्वल टू 1 बाय 2, इट मींस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसमें है, संतुलन में है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका संतुलन में है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में होता है तो ये वाला प्रतिरोध यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब यहां से ये वाला जो प्रतिरोध होगा सी और डी के बीच में यहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे ये रिमूव हो जाएगा तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उसके बाद दोनों समांतर क्रम में। तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं, आर वन प्रतिरोध जो है वो 10 प्लस 20 10 प्लस 20 बराबर जाएगा 30 ओम एंड आर टू इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 प्लस 10 बराबर 15 ओम और दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा, देन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर वन इन टू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, 30 गुणा 15 बटे 30 प्लस 15 30 गुणा 15 बटे 45 15 या 45 धारा इसमें हो जाएगा R equivalent हो गया हमारा 10 ओम, ठीक। then R I equal to हो जाएगा V upon R equivalent and V is equal to 5 by 10 then 5 by 10 को divide करेंगे तो 1 by 2 तो current हो जाएगा इसमें half ampere। सुनो शक्ति क्षय इसमें जाएगा E is equal to I square R and I का value है हमारा 1 by 2 1 by 2 into 1 by 2 का square into 10 1 by 2 का square जाएगा 1 by 4 एंड 1 बाय 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बाय 2 इट मींस ये जाएगा आपका 0. या 2.5 वाट मतलब जूल पर सेकंड कहते जाएगा। शक्ति क्षय का मतलब आप दूसरे वे में ले सकते हैं, इसको पावर में भी ले सकते हैं शक्ति के, ठीक है क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो 10 क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुनो क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है एक अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे कि निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु संधि बी व डी संधि बी व संधि डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है आपका एक सिंपल सा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है और
इसके यहां पे एक बैटरी सेल जुड़ा हुआ है। ये सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट। ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु बी है और ये डी है। बिंदु बी और डी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, मतलब वी बी माइनस वी डी आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। यहां पे प्रतिरोध का मान दे रखा है 1 1 and 1.5 and 1 1 1 1.5 and 1। देखिए इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा, इनका रेशियो 1 है, इनका रेशियो 1.5 है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में नहीं है। जब बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें धारा कैलकुलेट करेंगे, विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे धारा को देखते हैं। सबसे सिंपल सी बात है, लेट सपोज कि यहां से हमें आई धारा मिल जाए, यहां पे आके धारा इसमें चला गया आई वन और इसमें चला गया आई टू, तो इसमें आई टू इसमें आई वन। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस सर्किट को और रिड्यूस करते हैं, इस सर्किट को और रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका टोटल प्रतिरोध कितना जाएगा 2 ओम, इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, तो इस वाले लूप में, इस वाले लूप में हम पूरे लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ सेकंड नियम यूज करते हैं। किसका, किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि पूरे बंद लूप में धाराओं का बीजगणित, सॉरी विभवपतनों का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। सुनो, इसमें विभवपतन हो जाएगा आई वन, इसमें विभवपतन हो जाएगा आई वन क्योंकि आर वैल्यू वन है। फिर यहां पे आएंगे करंट के अपोजिट दिशा में जाएंगे बी से। अच्छा लूप का नाम नहीं लिखा मैंने, लूप का नाम लिख दो ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। तो यहां पे आई वन प्लस आई वन यहां पे आएंगे, इस वाले लूप में, इस वाले ब्रांच में करंट है आई टू, करंट अपोजिट दिशा में, देन माइनस का आई टू एंड माइनस का 1.5 आई टू। और यहां पे इस वाले पूरे बंद परिपथ में कोई सेल जुड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका योग कितना जाएगा, शून्य हो जाएगा। सुनो, 2i1 माइनस ऑफ 2.5 i2 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देंगे, देन 2i1 इज इक्वल टू 2.5 i2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हमें सेकंड लूप ढूंढना है, ये सेल ले लेते हैं, ये हमारा सेल हो गया ई। ठीक है, तो एक दूसरा लूप, लूप ए डी सी ई ए में, देखिए ए डी सी ई ए इस वाले लूप में इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस जो है 2.5 i2। यहां से ए से डी पे, डी से सी पे चले गए, तो इनका टोटल, क्योंकि इस वाले पूरे ब्रांच में करंट आई टू है, तो इसका पूरा प्रतिरोध कितना जाएगा 1.5 प्लस 1 2.5, तो टोटल प्रतिरोध 2.5 इनटू आई टू, ये इसका विभवपतन हो जाएगा। और फिर यहां से आएंगे सेल में घूमते हुए, यहां पे सेल से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा इसका ईएमएफ, तो नेगेटिव ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देखिए किरचॉफ के नियम वाला वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ का फर्स्ट नियम। और आई होप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए किरचॉफ का नियम जो है बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सुनो इसको इधर भेज देंगे, देन 2 इज इक्वल टू 2.5 i2, देन i2 इज इक्वल टू व्हाट, 2/2.5, पॉइंट डाल देंगे ऊपर 0, 5 से काट देंगे, 5 × 20 = 25 एंपियर। I2 is equal to 4/5 ampere, I2 value यहाँ पे रख देना, then 2I1 is equal to कितना जाएगा 2.5 into I2 4/5, इस इसको divide करना 0.5, 4×20, then I1 is equal to 20, मतलब 2.0/2, divide करेंगे तो 1 ampere हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 is equal to